नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत ने पाक से कहा हाफिज सईद पर कसो लगाम। भारत ने पाकिस्तान में जमात उद दावा और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर घोषित आतंकवादी हाफिज सईद की गतिविधियों पर गंभीर चिंता जताते हुए पड़ोसी देश से उस पर लगाम कसने को कहा। एक दिन पहले ही मुंबई आतंकी हमलों के साजिशकर्ता सईद ने पठानकोट जैसे और हमलों को अंजाम दिए जाने की चेतावनी दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि हाफिज सईद वैश्विक तौर पर घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है। उसका यह दावा रत्ती भर भी सही नहीं है और उसके कई सहयोगी संगठन परमार्थक कार्य कर रहे हैं। स्वरूप ने कहा कि वह आतंकी गतिविधियों और इनके लिए आर्थिक मदद में शामिल है। ये सभी के लिए गंभीर चिंता की बात होनी चाहिए। विहिप ने कहा अयोध्या मसले पर चुप्पी तोड़े मोदी। विश्व हिंदू परिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वह अयोध्या मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़े और एक स्पष्ट संदेश दे कि उनकी सरकार राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध है। विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अयोध्या का एक दौरा करने और राम जन्मभूमि में एक सेल्फी लेने का अनुरोध किया गया, ताकि ये संदेश दिया जा सके कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की राजग सरकार मंदिर निर्माण को लेकर प्रतिबद्ध है। बैठक में गोहत्या के बढ़ते मामलों पर भी चिंता व्यक्त की गई। पंचायतों में महिलाओं को मिल सकता है 50% आरक्षण। मोदी सरकार संसद के बजट सत्र में पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को बढ़ाकर 50% करने के बारे में संशोधन लाएगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि यद्यपि कुछ राज्य पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान कर रहे हैं, लेकिन संविधान में संशोधन के बाद इसे पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कानून में बदलाव भी होगा, जिसके तहत मौजूदा एकल कार्यकाल के बदले 5 सालों के 2 कार्यकालों के संबंध में महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित किए जाएंगे, ताकि विकास गतिविधियों की निरंतरता बनाए रख सकें।